जब हम घर खरीदने के लिए इस एरिया में आए हुए थे तो मुझे घर मिल नहीं रहा था। 40 लाख, 1 करोड़, इतने महंगे महंगे घर मिल रहे थे। लेकिन मैं निराश होकर ऐसे ही रात में टहल रहा था, जब घर नहीं मिला था तो अचानक से मंदिर दिख गई और यहाँ पे मैंने भगवान जी पे गुस्सा अपना उतारा कि आप क्यों हमारे साथ परीक्षा लेते हो, मेरी मनोकामना को क्यों पूरा नहीं करते हो? आपने तो यूट्यूबर बना दिया, मिलियन कर दिया, एक घर दिला दो मुझे, घर से भगाया हुआ आदमी को एक घर दिला दो। और देखिए भगवान जी को हमने रात के टाइम में कहा, सुबह के टाइम में घर मिल गया। क्या जी, अभी इनको पास के तो ये अब स्कूटी चला रही है, काहे जिद करती है स्कूटी चलाने के लिए? अच्छा लगता है आपको? अरे मतलब जिस ट्रेन में पैसा नहीं रहता? नहीं, उसमें लगता है 10-50 रुपये लगता है उसमें जाने में। जो असली वाला होता है उस पर होता, उसमें रिजर्वेशन कराना होता है तब जा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, खुश रहिए, खुश रहिए। चलिए आज की प्यारा ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज दोस्तों जाएंगे बजरंगबली जी के मंदिर पे, जहाँ पे हमारा मन्नत है पूरा हुआ है। मेरे लाइफ में रियलिटी वो चीज़ जो घटना घटित है। क्या जी, घटना ये हुआ है, मंदिर के पास में जाके आप लोगों को बताएंगे। हालांकि ब्लॉग में कई बार हम बता चुके हैं, वहाँ ब्लॉग भी बनाए, लेकिन हम सोचते हैं कि ताज़ा तरीके से आप सभी के लिए। चलिए भाई दोस्तों, दो दो जगह आप लोग देखेंगे कि दूध रखा हुआ है। दूध रखने के कारण क्या हो गया, कल जो दूध आया था तो हम लोग फ्रिज में गर्म करके रख दिए थे, ठीक है, तो हम लोग चाय बना नहीं पाए। क्या जी, रात में भी ये सो गई, पता रात में हमको भूख लग गया था, भूख लगा था, हम कुरकुरे एक बिस्किट खाए थे, देखिए वहाँ पर खा लिए थे। हम सोचे कि बोलते हैं चाय बनाने के लिए तो हम सोचे गुस्सा करेगी, अब इतनी रात 12-1 बज रहा था ना, इसी वजह से। तो मॉर्निंग का भी नाश्ता बन गया है, तो नाश्ता करके चलते हैं, भगवान जी का पूजा करते हैं मस्त। यहाँ पे देखिए चाय निकला हुआ है और ये देखिए पराठा है। भगवान जी का मंदिर गांव से कुछ ही दूरी पे है दोस्तों, मतलब समझिए कि 7-8 किलोमीटर पड़ जाता है। तो मस्त अभी नाश्ता वास्ता करके चलते हैं, आराम से पूजा करके फिर वापस आते हैं। तो मैं 500 रुपये लेकर के जा रहा हूँ प्रसाद लेने के लिए। और क्या क्या लेना है? और क्या? तो दोस्तों फिलहाल अभी हम लोग रेडी हो गए हैं और प्रसाद वगैरह सब कुछ लेकर के आ गए हैं। आपको एक रहस्य बताएंगे भगवान बजरंगबली जी को लेकर के। और हम लोग ये मन्नत इसलिए पूरा करने जा रहे हैं, पूजा इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि भगवान बजरंगबली जी की देन है जो ये घर हम लोग खरीद पाए हैं। और क्या रहस्य है वो भी आप लोग बताएं। इन्होंने ही माना था तो पता नहीं क्यों मुझे बार बार सपना आ रहा होने का, वो सपना में क्या है वो भी आपको हम बताएंगे। दोस्तों आप लोग को याद है ये मंदिर भगवान जी का, मैं आपको बताता हूँ। यहीं पे आपका भाई बैठे हुए थे भगवान बजरंगबली जी, रात के टाइम में इनको जो है ढक दिया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि इनके अंदर में इतना शक्ति होता है भगवान जी के अंदर में। जब हम घर खरीदने के लिए इस एरिया में आए हुए थे तो मुझे घर मिल नहीं रहा था, 40 लाख, 1 करोड़, इतने महंगे महंगे घर मिल रहे थे। लेकिन मैं निराश होकर ऐसे ही रात में टहल रहा था, जब घर नहीं मिला था तो अचानक से मंदिर दिख गई और यहाँ पे मैंने भगवान जी पे गुस्सा अपना उतारा कि आप क्यों हमारे साथ परीक्षा लेते हो, मेरी मनोकामना को क्यों पूरा नहीं करते हो? आपने तो यूट्यूबर बना दिया, मिलियन कर दिया, एक घर दिला दो मुझे, घर से भगाया हुआ आदमी को एक घर दिला दो। और देखिए भगवान जी को हमने रात के टाइम में कहा, सुबह के टाइम में घर मिल गया। क्या जी, इसी वजह से जब घर बन गया तो इनके इनके सपने में बार बार आता था कि जो दो जो बंदर हैं, एक हमें मतलब पूछ से हमको मार रहे हैं और इनके पिता यानी हमारे ससुर जी को मार रहे हैं, मतलब आया था ना आपके सपनों में, तो इसीलिए ये आज आई हैं पूजा करने के लिए। तो दोस्तों आज अपने देवी जी को गांव का सैर करवा रहे हैं, ये समझिए बिल्कुल हमारे बिहार की तरह है, आपके गांव के तरीके से है। अभी इनको ले चलना है एक बढ़िया सा रेलवे स्टेशन के पास में, ठीक है, क्योंकि घर रहते रहते ये बोर हो जाती है इसीलिए। मौसम बहुत सुहाना है, बहुत ठंडा और बहुत मजा भी आ रहा है घूमने, और पूजा किया तो बिल्कुल संतुष्टि आ गई। दोस्तों देवी जी कह रहे पूजा करिए तो बड़ी संतुष्टि आ रही है। इधर भी है दोस्तों, देखिए ये बगल में देखिए शादी भवन है, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, नेचर से जुड़ा हुआ है चारों तरफ। रेलवे स्टेशन के पास में आ गए और ये हमारी देवी जी पूछ रही है कि हमारा बिहार का रेलवे स्टेशन है, ये बिहार का नहीं, ये यूपी का है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं ये हमारे गांव का रेलवे स्टेशन है। हम लोग रात में आए थे, बहुत रात में, भैया के साथ में आए थे। देखिए सब बैठ बैठ के सब इंतज़ार कर रहे उधर ट्रेन का, सब तो चलते हैं उधर वाले भी बैठेंगे, है ना। जैसे बात है ना कि बहुत पुराना रेलवे स्टेशन है, ठीक, अभी डेवलप हुआ नहीं इसी कारण से। चलो उधर बैठते हैं ना, मालूम नहीं पड़ रहा था ना कि इधर एक आदमी है, लेकिन इधर आते कई सारे आदमी बैठे हुए हैं।
ये देखो सब आ रहे हैं, सब लकड़ी लाद लाद के। अभी लोकल ट्रेन आएगी ना तो सब अभी उसी ट्रेन पर बैठ जाएंगे सब। मतलब जिस ट्रेन में पैसा नहीं रहता? नहीं, उसमें लगता है 10-50 रुपये लगता है उसमें जाने में। जो असली वाला जो उसमें होता है उसमें रिजर्वेशन कराना होता है तब जाते हैं। हाँ, टिकट कराना होता है तब जाते हैं। इसे बिना टिकट के चढ़ेंगे तो फाइन लग जाएगा। पहले हम लोग चढ़ जाते थे, व्लॉग बनाते थे ना उस टाइम। अगर साइड में टूटा हुआ कुर्सी देखें तो मालकिन साहब नहीं बैठे, यहाँ देखिए बैठ गए। कितना दूर से चला लेकर आए। आपको पता है एक चीज़ हम बताने वाले आप लोगों को भी गाइस, कि जब हम ब्लॉगिंग करने के लिए फर्स्ट टाइम निकले थे अपने घर से, तो रेलवे स्टेशन पर क्या होता था कि मेरे लिए रेलवे स्टेशन ही घर रहता था। ट्रेन, रेलवे स्टेशन, ये मेरा छत हुआ करता था, और ये जिसपे हम लोग बैठे हुए हैं अभी, ये हम लोग का बिस्तर होता था क्या जी? हाँ, वीडियो कॉल करके हम आपको जगाते थे कि उठ जाइए ट्रेन आने वाला। क्या करिए, यही पे कम्बल ओढ़ के ये पर रहते थे। हाँ, जाते थे। तब होटल किराया बहुत लगता था, तो टीटी से अपना कंप्रोमाइज करके, या है वो जो टिकट काटता है ना उनसे बोलते थे कि भैया हमको 10 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट दे दो, लेके अपना प्लेटफॉर्म पे ही सो जाते थे। यहीं पे एडिटिंग करके अपलोड करते थे डेली व्लॉग भी, चाहे जो व्लॉग हम शूट करते थे कोई वीडियो, फिर उसके बाद अगला जहाँ पे जाना होता तो वहाँ सोचते थे कि उस जगह पे जाएंगे, तो वो जिंदगी होती। जब हम लोग गोवा से आ रहे थे तो दिल्ली स्टेशन पे गए थे। हाँ हाँ। तो 3 बजे हम लोगों की गाड़ी थी और हम लोगों को 11 बजे स्टेशन पे नहीं गए थे, हम लोग हवाई अड्डा पे थे, एयरपोर्ट पे। तो हम दोनों सो गए थे ना ऐसे ही बिंच पर, तब एक भैया ने कहा था उठो उठो फ्लाइट जाने वाली है। हाँ। तो जल्दी से हम लोग उठे थे ना, मुँह धोले थे, फिर फ्लाइट पकड़ के फिर गए थे। फिर 5 बजे हम 6 बजे उतारे थे हम लोगों को। तो रेलवे स्टेशन से घुमा के लाए अभी इनको पास के, तो ये अब स्कूटी चला रही है। अच्छा, काहे जिद करती है स्कूटी चलाने के लिए? अच्छा लगता है आपको? अरे वाह। तो दोस्तों आइए आप लोगों को भी सवारी करा देते हैं। बिल्कुल दोस्तों, अब बहुत सुनसान रास्ता दोस्तों, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी ये सीख रही हैं, हालांकि इनके घर पे रहते थे तो इनको सिखाते। तो अभी पनीर का सब्जी जो है लेकर के आए हम, ये देखिए, क्योंकि रेस्टोरेंट से जिस दिन हमारा घर पे गृह प्रवेश था ना, तो इनको बहुत पसंद आया। देखिए लाइट चला गया, पसंद आया था ना सबको, आपके मम्मी पापा को, सब लोग कह रहे थे, मम्मी को तो बांध भी दिए थे। ये देखिए दोस्तों, तो हम 2 प्लेट लेकर के आए हैं, है ना, है ऐसा लग रहा है कि पनीर की सब्जी है ये। तो अभी हुआ है एक्चुअली क्या कि हम लोग आज पूजा करके आए हैं ना, तो चावल वहाँ पे चढ़ा हुआ है, और पूजा करने के बाद क्या हो गया, हम लोग थोड़ा सा घूम टहल के आए। जैसे कि आप लोगों को पता है रेलवे स्टेशन गांव के एरिया में इनको स्कूटी सिखाए, तो जिस वजह से थक गए थे, तो आए थे हम लोग तो सो गए थे। ठीक है, सुबह से हम भी काम करते, ये भी मिलके करते, जैसे घर में झाड़ू वाड़ू लगाना, बर्तन साफ़ सफाई करना, तो इसमें जो है हम दोनों ज़्यादातर बिजी रहते हैं। तो फिर उसके साथ वीडियो शूट करना, ब्लॉग एंड करना, जोर जोर से बोलना मिनी ब्लॉग में, तो जिस वजह से थकावट हो गई थी, तो हम लोग आके सो गए थे। उठे कितने बजे? 8 बजे क्या जी? 8 बजे उठे, तो हमने कहा कि सब्जी हम लेकर के आ जा रहे हैं, आप सब्जी ना बनाओ, जितने में आप सब्जी बनाओगे उतने रुपए का मैं सब्जी लेकर के चला, तो आप चावल बना लीजिए, रोटी वगैरह सब कुछ बचा हुआ है मॉर्निंग का, तो आराम से मस्त खाते हैं। आप लोग भी आइए और खा लीजिएगा। ये देखो थाली निकल गई, एकदम रेडी हो गया है, 4 रोटी है, पनीर की सब्जी है, आ हा हा हा, और देखिए चावल है, प्याज के साथ मिला खाने में बड़ा मज़ा आता है दोस्तों। तो मस्त खाते हैं, फिर मॉर्निंग के टाइम में मिलते हैं आप लोगों से क्या जी? आप लोग भी आपको नहीं लगता कि सब्जी थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी है देखने में? स्पाइसी मतलब स्पाइसी स्पाइसी मतलब टेस्टी, टेस्टी लग रहा है ना देखने में। आई होप दोस्तों आज के ब्लॉग के लिए इतने, बिहार समस्तीपुर से देख रहे हो, पूरा फुल सपोर्ट कीजिए, आदर्श से देख रहे हो, पूरा पूरा फुल सपोर्ट कीजिए। बगल में फेसबुक पेज का आईडी जाकर के फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ भी जो 9000 फॉलोवर होने वाला है, अपना कीमती वक्त निकाल के मेरा ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।